में रेड कर रहा है। ये लोग जो करे हम लोग थोड़ा सा इसमें बोलना चाहेंगे। आप बाद में बोलिएगा बैठे, जवाब करोगे तो ठीक से रही। अब छापामारी कर रहा है, अब ठीक है छापामारी करवा देंगे, हम बता दे रहे हैं। अगर आप रंग में आ गया, हम लोग का रंग चढ़ गया होली में ना, तो अच्छा सम्रांग से हम नहा देंगे, आपको बता दे रहे हैं। मोबाइल चल रहा है ना, होशियार से रहो, छेड़ो नहीं, अगर युद्ध छेड़ोगे तो पागल कर देंगे रांची को, बता दे रहे हैं। कोई गवर्नर है क्या? सुनो, ज्यादा होशियार बनने का कोशिश मत करो, नहीं तो यही बंधक बना देंगे, समझ रहे हैं। सभी वर्गों से जीत करके आते हैं, जनता का प्रतिनिधि हैं, उनको अपने भाषा अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि पुलिस का भी मान सम्मान होता है, पुलिस भी सभी का मान सम्मान होता है, तो किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, बस इसीलिए माननीय महोदय हम तो ये कहेंगे कि सामूहिक रूप से माफी मांगे, इस अपराध के लिए उनको माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, और हम लोग केंद्रीय एसोसिएशन को इस बारे में जानकारी दिए हैं, और केंद्रीय एसोसिएशन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा आगे के लिए मुख्यमंत्री महोदय माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा कार्रवाई की मांग की जाएगी। धर्मेंद्र कुमार सिंह, सचिव, झारखंड पुलिस एसोसिएशन, शाखा रांची। आज काफ़ी मर्माहत है। आज हम सभी जो प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी, माननीय विधायक जिग्गा मुंडा जी, हमारे पूर्व विधायक सुखदेव भगत जी और कई एक सामाजिक संगठन के सामाजिक अगुआ लोग आज जहाँ पर तोड़ फोड़ की घटना हुई उस छात्रावास में वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे, और वस्तु स्थिति से हम लोगों ने पूरा उसका जानकारी हम लोगों ने लिया, और जिस तरह से उद्दंडता के साथ छात्रावास को तोड़ा गया है, इवन जो रसोई गैस रसोई घर है, जो खाना वगैरह बनाते हैं लड़कों के द्वारा बनाया जाता है, वो तमाम बर्तन कुआं में डाल दिया गया, कई लोगों के साथ मारपीट हो की गई है, मैंने जिसको कहा जाए कि वो जितना कर्म करना था उनके द्वारा कर दिया गया, और इन तमाम घटना से हम सभी लोग काफ़ी चिंतित हैं। हम लोग सभी चारों लोग हम लोग गए थे एसएसपी के साथ, पास में एसएसपी के पास, और उनको हर हालात में जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे जिस तरह से बिहेवियर रहा है तो सरकार तो आप ही का है ना सर, लॉ एंड ऑर्डर तो खराब तो झारखंड में है ही, और जिस तरह से रांची में ही घटना इस तरह से घट रही है, बताया जाता दिन दहाड़ बंदूक हथियार लेकर फिरौती की भी मांग की गई थी वहाँ पे, तो किस तरह से देखते हैं इस तरह से? सवाल सरकार की बात है, प्रशासन को इसको देना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन के, इसलिए प्रशासन के पास हम लोगों ने गया, और जरूरत होगा तो माननीय मुख्यमंत्री को भी इसको संज्ञान में दिया जाएगा, ऐसे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को भी इसका संज्ञान होगा, इसीलिए हम सभी लोगों ने चिंता पर जाहिर किया कि हम लोग जरूरत पड़ेगा अगर सोमवार तक कार्रवाई नहीं होती है तो तब तक के लिए तब मंडे को भी इस मामला को जोरदार तरीके से सदन में उठाया जाएगा। अभी उनको सीसीटीवी वगैरह लगाने के लिए भी कहा गया है एसएसपी को, और वहाँ पर सुरक्षा का पूरा व्यवस्था कर दिया जाए ताकि वहाँ जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनको किसी तरह का उनको शायद नुकसान ना हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में उसमें बता दिया गया। ठीक है, ज़मीन का मामला होगा मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वहाँ तोड़ फोड़ था, वहाँ पे मारपीट था, वहाँ जानलेवा हमला कराया गया था, तो ये पूरी तरह से क्रिमिनल ऑफेंस था, ठीक है ना। अब प्रशासन जिस उद्देश्य से करने का प्रयास तो किया, बच्चे डरे हुए थे, आज जब हम लोग के बात किए तब उनको थोड़ा सा राहत मिला, एग्ज़ाम्स हैं उनके, चार दिन के बाद में एग्ज़ाम है,
इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, बच्चे वहाँ रहते हैं, गरीब बच्चे तुरंत में कहाँ जाएंगे। देखिए कुछ प्रशासनिक अधिकारी की वजह से भी पूरे सरकार की बदनामी होती है, उनकी मानसिकता जो भी हो। हम लोगों का कहना है क्योंकि ये क्रिमिनल मामला है, इसको क्रिमिनल मामला समझा जाए और जिस उद्देश्य से जो घटना घटित हुआ है, जो जो घटना हुआ है उसको उस एक्ट के तहत में उसको मतलब सजा मिले। पूछा रूट कॉज आपने पूछा, हमारा वो नहीं, हमारा कहने का मतलब जो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और क्रिमिनल ऑफेंस है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत सकारात्मक वे में अभी हम लोगों ने एसएसपी साहब से जो बातें हुई हैं और बहुत विस्तार से बातें हुई, बहुत सकारात्मक उन्होंने एक्शन भी लिया है जिसमें एक्शन शुरू भी है। और साथ ही साथ छात्रों में भय का वातावरण ना हो तो वहाँ पे लगातार पुलिस फोर्स देखेगी, साथ ही साथ उनके रिहायशी के जो बात है उसके बारे जैसा कि बात हुए कि वहाँ मोबाइल टॉयलेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो वहाँ भेजी जाएगी। और भी जो चीज़ें हैं जैसा कि डीसी साहब से इन्होंने बात किया है, सैटरडे को सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद उसको सारी व्यवस्था कर दी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात है कि कानून का शासन राजधानी है और इस प्रकार की चीज़ें चलती, इसलिए मैंने कहा कि वो जब जाँच के विषय है, जाँच के विषय के बाद बहुत सारी चीज़ें छन के आएंगी, किन लोगों ने, ये तो प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपने पूछा भी कि भाई रिहायशी इलाके में 250-300 जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात कारण जो भी हो, निरीह बच्चे, आदिवासी गरीब बच्चे किसी प्रकार वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो स्टूडेंट्स हैं, गरीब बच्चे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन तो मस्ट है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक महकमे जो बातें आई हैं वो एक्शन तुरंत लेंगे। हम लोग मिले हैं और प्रशासन काम करेगी, आप लोग को एक दो दिन में इसका कार्रवाई होगा निश्चित रूप से। अभी भाई आप लोग बोल रहे थे कि नहीं दिनों दिन यहाँ पर घटना होते जा रही, लोग करते रहेंगे होगा ही, लेकिन इतना विश्वास है जो आज हम लोग चारों विधायक मिले हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई एक दो दिन के अंदर में लोग मिलेगा और कानून का कार्रवाई भी होगा। और सभी तरफ से हम लोग खबर कर दिए हैं, डीसी साहब से भी बात हो गया है, अभी विधायक जी बताया आपको, एसपी से भी हम लोग जाके मिले हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, आप लोग को एकदम देखने को आप लोग को मिलेगा। तमाशा बना के रखे हैं आप लोग, क्या करेगा मजबूरी, गरीब गुरबार का लड़का लोग आता है यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए, आप लोग को तो तकलीफ लगता है ना कि झरखड़ी बच्चा आगे पढ़ लिख के बाहर चला जाए, आगे उन्नति करेगा, डेवलप करेगा, समाज में आगे बढ़ेगा। सुनो तो ड्रामा मत कीजिए, रात में आपको फोन किया था, किस लेवल से बात कर रही, कोई गवर्नर है क्या? रात को सर हम सुनो जिस समय आप फोन किए थे सर उस समय सुनो मैडम, ज्यादा होशियार बनने का कोशिश मत करो नहीं तो यही बंधक बना देंगे, समझ रहे हैं? ऐसे तो आप चाहते हैं कि यहाँ का लड़का लोग बने बदमाश बन जाए, जंगल में चला जाए, फिर छापामारी करने आप लोग जाइएगा, क्या करेगा मजबूर में आदमी, क्या करेगा, जंगल चला जाएगा, उग्रवादी बनेगा, लूटेगा, मारेगा, काटेगा, पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगा, प्लेस नहीं। ऐसे भी यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ का जंगल लूटा जा रहा है, यहाँ का आदिवासी लोग का जमीन लूटा जा रहा है, जब अपना न्याय के लिए अगर कोर्ट में है मामला तो आप भी जैसा मैं न्याय है तो ठीक से रहिए, आप छापामारी कर रहे हैं, आप ही का छापामारी करवा देंगे, हम बता दे रहे हैं। अगर आप रंग में आ गए, यार हम लोग का रंग चढ़ गया होली में ना तो अच्छा सा रंग से हम नहा देंगे, आपको बता दे रहे हैं, होशियार से रहो, छेड़ो नहीं, अगर यूथ छेड़ोगे तो पागल कर देंगे रांची को, बता दे रहे हैं। और आप यहाँ पर अगर ड्यूटी करते हो तो ड्यूटी को अच्छा से निभाओ, आपको भी हम लोग इज्जत देते हैं, आपको भी हम लोग सम्मान देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि किसी का पैर हाथ हड्डी टूट जाता है, इसका लेटरिन बाथरूम खत्म हो गया, इसका सारा चीज लूटा गया, छीना गया, कहीं अब लेटरिन रूम भी नहीं कर सकता है, खाना भी नहीं बना सकता है, रह भी नहीं सकता, पुस्तक भी जला दिया, फिर रहेगा कैसे? कैसे रहेगा? तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।